हेलो, आई एम जेम्स। डॉक्टर सतीश ने मुझे सब बता दिया है। डोंट वरी, आपकी बेटी कहाँ है? हेलो क्यूटी पाई, क्या नाम है आपका? बताओ बेटा, आपका नाम क्या है? क्रिया। नाइस नेम। किस क्लास में पढ़ती हो? फर्स्ट स्टैंडर्ड। गुड। घर में कौन कौन रहता है? मैं, मम्मी, मेरी नानी और मौसी। बस चार लोग? और कोई नहीं? आपकी मम्मी तो कह रही थी कि आप किसी से बातें करती हो, खेलती रहती हो उसके साथ। कौन है वो? मेरी फ्रेंड है। आपकी फ्रेंड? कैसी दिखती है वो? बड़ी आंखें, लंबे नाखून, डरावनी शक्ल और गंदे पैर। तो उसकी शक्ल और आंखें देखकर आपको जरा भी डर नहीं लगता है? आखिर क्या कहती है वो आपसे? आप दोनों क्या बातें करते हो? इस वक्त वो कहां है? ठीक आपके पीछे। मिस्टर जेम्स, क्या हुआ? मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? लाती हूँ। ये लीजिए। मुझे आपका घर ठीक से जांचना होगा। डॉक्टर जेम्स के पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो कोई मामूली इंस्ट्रूमेंट नहीं। इस इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र का नाम है घोस्ट हंटिंग एंड पैरानॉर्मल डिटेक्शन इक्विपमेंट। सरल शब्दों में कहा जाए तो इस यंत्र से पता चलता है कि घर में भूत है कि नहीं। इस यंत्र में मोशन सेंसर्स हैं जो वेवलेंथ और हीट को कैच करती हैं। इसमें लगी लाइट जब तक ग्रीन रहती है मतलब मशीन भूत को ढूंढ रही है, और लाइट अगर लाल हो जाए इसका मतलब कि घर में भूत है। इस मशीन में एक कैमरा भी है जिसे विज्ञान की भाषा में थर्मल इमेजिंग कैमरा कहते हैं। ये एक एक्सरे की तरह काम करता है। ये कैमरा परछाई को कैमरे में कैद करता है, और जब कोई परछाई इस थर्मल इमेजिंग कैमरा और मशीन में लगे सेंसर से टकराती है तो इस मशीन में लगी लाइट ग्रीन से रेड हो जाती है, जिसका मतलब है घर के अंदर भूत है यानी खतरा है, और डॉक्टर जेम्स इस खतरे को महसूस कर रहे हैं। Thank you.
Jesus, banish all forces of the evil. Jesus, banish all forces of the evil. Jesus, buri atma ka vinash kar do. Jesus, buri atma ka vinash kar do. Jesus, buri atma ka vinash kar do. Jesus, shaitani ruhon ko khatam kar do. Khatam kar do shaitani ruhon ko. Khatam kar do shaitani ruhon ko. तबाह कर दो इन जल्लाद रूहों को, खत्म कर दो, ईश्वर सबकी रक्षा करो, बुरी आत्मा का विनाश कर दो, बुरी आत्मा का विनाश कर दो, बुरी आत्मा चले जाओ यहाँ से, ये ईश्वर का हुक्म है तुम्हें, ईश्वर का हुक्म है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, ईश्वर का हुक्म है, ईश्वर तुम्हें खत्म कर देगा। इस तरह का केस ना मैंने पहले कभी देखा और ना ही कभी सुना। मां की ममता और मां की क्रूरता, इन दोनों में बहुत फर्क है। फिर भी मुझे लगता है कि अब इन दोनों में कोई फर्क नहीं रहा। पर इन सब बातों से पहले मुझे इस मुसीबत का पता लगाना होगा, मुझे इसके पीछे की कहानी पता करनी होगी। और यह काम ऐसा है जैसे अंधेरे में परछाई को तलाश करना। मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब मिले और कुछ सवालों के नहीं मिले। उठिए, आराम कीजिए। इट्स ओके, इट्स ओके। अब कैसी तबीयत है आपकी? अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ फादर।
थैंक यू फादर, क्रिया को घर से वापस लाने के लिए। क्रिया को वापस लाना बड़ी बात नहीं, उससे भी बड़ी बात तो यह है कि अभी तक जो उस घर में है उसे कैसे निकाले। कैसे फादर? वही जिसकी आत्मा भटक रही है कुछ अधूरी इच्छाओं के साथ। कौन फादर? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं फादर? मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए। वो डॉल उस घर में कैसे पहुंची? ऐसी कौन सी वजह है जो आप अभी तक वहां रह रही हैं? वो विला किसका है? वो विला मेरे पति का है। इस विला में प्रशांत का जन्म हुआ था। ये विला गोवा में है, और जब प्रशांत के पापा का ट्रांसफर गोवा से बैंगलोर हुआ तो वो ये विला छोड़कर बैंगलोर चले गए, जहां हम दोनों की मुलाकात हुई। हम दोस्त बने, वो दोस्ती प्यार में बदल गई। हमारे परिवारों को हमारे प्यार के बारे में पता चला, हमने उन्हें मनाया और फिर शादी कर ली। लवली प्लेस। प्रिया चलो उठो, हम पहुंच गए। हेलो, वेक अप, चलो आ जाओ। काम काम देखो। वाओ, ये तो बहुत बड़ा घर है, है ना? चलो अंदर से देखते हैं। आप यहीं रुको, मैं अंदर जाके देखती हूँ। रुको नहीं पकड़ सकती। अभी बताती हूँ। अरे रुको रुको, ध्यान से, गिर जाओगी बेटा। हमारी शादी के 2 साल बाद क्रिया पैदा हुई। क्रिया के पापा ही उसकी जिंदगी थे। आज 8 साल बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। क्रिया जब भी नाराज होती उसके पापा उसके लिए एक डॉल लेकर आते। एक दिन प्रशांत बहुत लेट हो गए तो क्रिया उनसे नाराज हो गई। पर उस दिन जब वो क्रिया के लिए डॉल लेने गए तो फिर कभी वापस नहीं लौटे। 2 महीने पहले वो एक एक्सीडेंट में गुजर गए। तब से मेरी छोटी बहन स्नेहा और मेरी माँ साथ में रहते हैं। प्रशांत चाहते थे कि हम गोवा के इस विला में रहें, इसीलिए हम सब यहाँ रहने आए हैं। बदमाश लड़की। क्या स्नेहा, घर में इतना सारा काम पड़ा और तुम इसे परेशान कर रही हो? अरे यही मुझे कब से चिढ़ा रही है। पकड़ो पकड़ो, इस बॉक्स में टीवी रिमोट जैसी चीजें किसने रखी है? पकड़ो इसे। जरा देखिए इसे मम्मी। अच्छा तुम जाओ और तुम जाकर खेलो। ओके नानी। गोपाल देखो कारपेंटर आया कि नहीं। लाओ मुझे ये पकड़ो, अंदर रखो इसे। क्या हो गया? क्या हुआ? फोटो टूट गई भगवान की, ये तो अपशकुन है। सॉरी मैडम, हाथ से फिसल गया। माफ करना भगवान। लाइए मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं मैं ठीक कर लूंगी। ध्यान से काम किया कर बेटा। सॉरी भैया। चल Guess who I am? क्या हुआ? ओ मेरी क्रिया डार्लिंग, इतनी उदास क्यों है? ऐसे ही अंकल। क्या हो गया बच्चे, बताओ अंकल को। इतने बड़े से घर में मैं हूँ, मम्मी है, मौसी है और नानी है, बस हम 4 ही लोग रहेंगे क्या? ओह क्रिया बेबी इसलिए परेशान है क्योंकि घर में उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है।
ठीक है, तो मुझे बताओ क्या चाहिए, मैं ला देता हूँ। टेडी बेयर, प्लेस्टेशन, बार्बी डॉल, मुझे मेरे डैडी चाहिए। मेरे डैडी कहाँ है? मम्मी, मुझे डैडी चाहिए। डैडी कहाँ गए मम्मी? दोपहर में तुम टैब ढूंढ रही थी ना, वो मौसी के पास है, चलो जाओ। ठीक है। ओके। भाभी। I'm sorry, John. अच्छा, घर के काम के लिए भेजो किसी को? उसकी जरूरत नहीं है। एक बार सोच लीजिए। इतने बड़े घर में बहुत अजीब लगेगा बिना किसी काम के। हाँ, वो तो है। आप अपना ख्याल रखना, और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे फोन करना, मैं चलता हूँ। थैंक यू जॉन। ठीक है। क्रिया को दे देना जाने से पहले। क्या मम्मी, मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। बाय स्वीटू। मौसी। हाँ? प्लीज मुझे भी ले चलो। मैं जा रही हूँ वहाँ एग्जाम देने, तुम आकर वहाँ क्या करोगी? आप मुझे साथ ले जाना ही नहीं चाहते हो, आई नो। अच्छा, वापस आते वक्त मैं तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट लेकर आऊंगी। ओके, बाय स्वीटहार्ट। पहले तो सारे मेरे दोस्त दीपिका, राहुल, अंजलि सब मेरे घर के पास रहते थे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मम्मी,
चली गई। क्रिया, यहां क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। स्नेहा मौसी, I don't like chocolate. You liar. अच्छा क्रिया, इस बॉक्स में क्या है? वही तो मैं भी देख रही हूँ कि इस बॉक्स में क्या है। ठीक है, चलो मैं इसे खोलती हूँ। ख्याल रखा कीजिए माँ। मम्मी, चोट कैसे लग गई आपको? मसाला डालने के लिए डब्बा निकाल रही थी, हाथ से फिसल गया। आप भी ना माँ, देखकर काम नहीं कर सकती। ये क्या क्रिया, तुमने फिर अपने कपड़े गंदे कर लिए? दीदी, ये बस स्टोर रूम में खेलने गई थी। Animals gathered at Pride Park to celebrate the birth of Simha and Naga's cub. The hope of life continues. The end. शाम को मैंने ये टॉय बॉक्स स्टोर रूम में देखा था।
तो मुझे लगा हो सकता है जीजा जी लाए हों क्रिया के लिए। दीदी वैसे भी नेक्स्ट वीक क्रिया का बर्थडे आ रहा है, तो ये डॉल हम उसे गिफ्ट कर दें। Blow the candle. Hey. Yay! Chalo. Happy birthday, sweetie. दे दी इसे प्रिया सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट। वाव इतना बड़ा गिफ्ट, बताओ इसमें क्या है। हाँ बताओ। एक बड़ी सी सुंदर सी डॉल। ओह यस। हाय, मेरा नाम है क्रिया, तुम्हारा नाम क्या है? इतने बड़े घर में मैं भी अकेली हूँ और तुम भी अकेली हो। So, will you be my best friend now? हाँ? नहीं नहीं बस। अच्छा अच्छा मौसी मुझे और दो पूरी चाहिए। पहले वो तो खा लो मैडम, फिर और दे दूंगी। मेरे लिए नहीं मैडम, मेरी फ्रेंड के लिए। ओह तो तुम्हारी फ्रेंड भी पूरी खाती है। अच्छा तो सब्जी लेगी या चटनी लेगी? सब्जी। ओके, मैं खिलाती हूँ। खाओ ना, खाओ, लो ना, खाओ। ये क्या, तुम्हारी फ्रेंड तो खा ही नहीं रही है। बिकॉज़ शी हेट्स यू। पागल हो गई हो क्या, डॉल पूरी नहीं खाती। मौसी, मेरी फ्रेंड को मत मारो। मारूंगी। मौसी वेरी बैड। सॉरी माय फ्रेंड। हाँ किसी बीच रिजॉर्ट पर। हाँ ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली, वो एकदम परफेक्ट जगह है। हाँ ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली, आई रियली मिस यू। हाँ हाँ अच्छा ओके। हाँ मैं जानती हूँ, इस बार अच्छे से प्लान करेंगे। हाँ 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 मेरे दोस्त भी वहाँ जा चुके हैं। हाँ बाबा, नेट पे सारे रिव्यूज पढ़ लिए मैंने, बहुत अच्छी जगह है। हाँ ओके, टिकट्स तुम बुक कर देना। हाँ
बाहर क्या कर रही हो? बहुत बदमाशी करने लगी हो आजकल, जब देखो मुझे डराती रहती हो। चलो चलो घर के अंदर आ जाओ। दीदी आजकल तुम्हारे लिए कितनी परेशान रहती हैं, और तुम सिर्फ इस डॉल के साथ खेलती रहती हो। लाओ लाओ मुझे। मौसी, मौसी मेरी डॉल वापस दो, प्लीज प्लीज मौसी मेरी डॉल वापस दे दो। अब ये तुम्हें वापस नहीं मिलेगी, समझी? प्लीज मौसी प्लीज दे दो ना मुझे, प्लीज मौसी ऐसे मत करो, प्लीज दे दो, वरना देखो मैं क्या करूंगी। नहीं दिया तो क्या करोगी? आपको मारूंगी। मुझे मारूंगी? दीदी को बताती हूँ। मैं भी मम्मी से आपकी शिकायत करूंगी। मम्मी 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 देखिए ना, मौसी मुझे मेरी डॉल नहीं दे रही है। स्नेहा वो डॉल मुझे दो। इस डॉल के लिए मुझे ये मारने की बात कर रही थी? बहुत बदमाश हो गई हो, जो चीज मना की गई है वो क्यों कर रही हो? मम्मी प्लीज डॉल दे दो ना। चुप रहो, इसकी वजह से तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। स्नेहा इसे ले जाकर सुला दो। चलो। नेहा, क्रिया कहाँ है? वो अपने रूम में है दीदी, जिद कर रही थी कि जब तक उसे अपनी डॉल नहीं मिलेगी ना ही वो नीचे आएगी और ना ही कुछ खाएगी। उसे अपने रूम में रहने दो। लेकिन दीदी, नेहा, अगर हम उसकी हर एक जिद को पूरा करते रहेंगे तो वो और भी जिद्दी होती जाएगी। उसे तुम अकेला ही छोड़ दो, थोड़ी देर में खुद ठीक हो जाएगी।
क्रिया, स्नेहा तुमने क्रिया को देखा क्या? नहीं दीदी। फिर कहाँ चली गई? क्यों, क्या हुआ? स्नेहा मैंने पूरे घर में देख लिया, ना वो अंदर है और ना ही बाहर, पता नहीं कहाँ चली गई है। रिलैक्स दीदी, यहीं कहीं खेल रही होगी, चलिए जाकर देखते हैं। हाँ, क्रिया यहीं कहीं होगी। स्वीटू बेटा, क्रिया बेटा, स्वीटू क्रिया बेटा, कहाँ हो तुम? कहाँ छुपी हो? देख रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना, उठो, चलो चलो आ जाओ। देखो हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ऐसे बिना बताए जाते हैं क्या? हाँ चलो आ जाओ। लाओ मुझे दो। मैं नहीं दूंगी मौसी। मुझे दे दो, ये बाद में खेल लेना, ठीक है? लाओ। मैं अपनी डॉल नहीं दूंगी। स्नेहा जाओ इसे सोने दो। तुम आराम करो स्वीटी। दीदी स्टोर रूम में से वो डॉल क्रिया को कैसे मिली? और समझ में नहीं आ रहा है कि वो उस डॉल के साथ बीच पर कैसे पहुंची। स्नेहा ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। तुम्हें मम्मी कह के क्यों बुलाऊंगी? पागल हो क्या? पता है मेरी मम्मी कैसी दिखती है? स्वीटी? मम्मी? देखो ये है मेरी मम्मी। मीट माय फ्रेंड मॉम। इससे बात करो ना वरना इसे बुरा लगेगा। ओह सॉरी। हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? डिनर किया तुमने? अब देखना क्रिया कैसे अच्छे बच्चों की तरह खाना खाएगी। देखो और नहीं मम्मी। लास्ट बाइट है स्वीटी, वरना तुम्हारी फ्रेंड को बुरा लगेगा। अच्छा बेटा आज तुम मम्मी के पास होगी? क्यों मम्मी, आपको अकेले में डर लगता है? कहीं मुझे भूत दिख गया तो? अगर दिख गया तो मुझे बताना, मैं उसे भगा दूंगी। मेरी प्यारी बेटी, गुड गर्ल। चल बाय बाय फ्रेंड। स्वीटू हो गया बेटा, चलो टाइम हो गया सोने का, चलो। मामी, 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 आस्के। नहीं बोला ना, चलो सो जाओ। मामी। सो जा बेबी। मामी, वन क्वेश्चन। बोलो क्या? भूत दिखने में कैसा होता है? भूत ना गंदा गंदा होता है, बुरी बुरी शक्ल होती है, एकदम छीछी। बिल्कुल मौसी जैसा। बहुत शरारती हो। मम्मी मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं? बताओ। मैंने भूत को देखा है। अच्छा कहाँ पर देखा? यही अपने घर में। ओह मैंने भी उसे देखा है। मे बी मैं जानती हूँ तुम किसकी बात कर रही हो। चलो अब सो जाओ। ओके ओके मॉम, गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट स्वीटू।
Thank you.
और तुम्हें क्या चाहिए? इस वक्त हमें परेशान क्यों कर रहे हो? मंदिर जाते हुए हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरी बीवी नहीं मिल रही है। आपने उसे कहीं देखा है क्या मैडम? पहले एक औरत आई थी यहाँ पर, उसके चेहरे पर चोट लगी हुई थी, बहुत खून बह रहा था। मेरे सवालों को उसने प्रिया, ये लो। प्रेगनेंसी के टाइम ऐसे ख्याल मन में आते रहते हैं बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। इस किताब को अपने तकिए के नीचे रखकर सोना, सब ठीक हो जाएगा। Three little ducklings swimming in the pond, all three said quack quack quack. Quack. ज्यादा देर पानी में मत खेलो, जल्दी से नहा लो। क्यों मम्मी? Because आज हम लोग बाहर जा रहे हैं। सच में? सच में। कहाँ जा रहे हैं मम्मी? हम लोग आज शॉपिंग और फिल्म देखने चलेंगे। प्रॉमिस? ओके। ये! अरे! बदमाश! ये! अरे! अरे! रुक जाओ कि नहीं रही! अरे हो गया हो गया हो गया, बस ठीक है। बस 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 बस। ओके, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। हम मूवी के लिए चलते हैं। ओके मामा। मैं चावल लेती हूँ। अरे, मैं चावल लेकर आई थी ना? तो फिर कहाँ चला गया? तुम यहीं पर रुको, मैं चावल लेकर आती हूँ। ठीक है। You know, click click, आज मम्मी और मैं बाहर शॉपिंग और मूवी देखने जा रहे हैं। स्वीटू, बस दो मिनट, मैं दूसरा टावल लेकर आ रही हूँ। ओके मम्मी। पुछक। आप पुछक।
मामा। ओ, स्वीटू, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर सो जाऊं। और मूवी? हम शाम को चलते हैं, ओके? 6 बजे चलेंगे। तुम भी ना? एक बात बताओ, आज मैं कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह बहुत क्यूट लग रही हो। क्या मौसी, अब हमेशा मेरा मेकअप खराब कर देती हो। क्यों, तुम कोई हीरोइन हो क्या? हाँ हाँ, मैं हीरोइन ही तो हूँ। दीदी, आपकी तबीयत कैसी है? अब पहले से बेटर है। क्या मम्मी, अब अभी तक तैयार नहीं हुए? स्वीटू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम कल चलेंगे, ठीक है? सॉरी। आप हमेशा ऐसे ही करते हो, आई हेट यू। स्वीटू, ऐसे बात नहीं करते, मम्मी की तबीयत खराब है ना, तुम्हें समझना चाहिए। मम्मी हमेशा बीमार रहती है और नानी और आप हमेशा बिजी रहते हो। क्रिया, मुझे बात मत करो, अगर डैडी होते तो मुझे हर दिन घुमाने ले जाते। आई हेट यू, आई हेट ऑल ऑफ यू। क्रिया, क्रिया सुनो, क्रिया। दीदी, जीजा जी और उनकी यादों को मिटाना बहुत मुश्किल होगा, कोशिश करते हैं कि उसका मूड ठीक हो जाए। स्नेहा, हाँ? आज का दिन कितना बोरिंग था ना? हाँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मैं भी दीदी। तो फिर मैं और क्रिया छुपन छुपाई खेलेंगे। मैं भी खेलूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम एक नंबर की पकाऊ हो। क्या कहा, मैं पकाऊ? तुम पकाऊ हो। मैं पकाऊ नहीं हूँ, एंटरटेनमेंट का नाम तो मुझसे शुरू होता है। अरे जाओ जाओ, ये तो क्रिया ही बताएगी। क्यों, बताओ क्रिया, बोलो, मौसी पकाऊ है ना? यस मॉम। मुझे पकाऊ कह रही हो? तुम्हें तुम्हें देख लूंगी। कम स्वीटू, वी विल प्ले। ओके मॉम। मैं नहीं पहनूंगी, ये आप पहनोगे। इट्स टाइम टू प्ले। 1, 2, 3 बस बस, रेडी? अब मुझे ढूंढो। वेट, मुझे हिंट तो दो। क्रिया, मम्मी, ये ढूंढो, मैं कहाँ हूँ? क्रिया, देखना मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। बेटा कहाँ हो तुम? क्रिया, मैं आ रही हूँ। क्रिया, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। क्रिया, 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 कहाँ हो तुम, कुछ हिंट तो दो बेटा। क्रिया, बदमाशी नहीं, ये कोई बात नहीं हुई, चलो जल्दी बताओ कहाँ हो। कहाँ हो बेटा? बेटा, मुझे पता है तुम यही कहीं पे छुपी हुई हो, है ना? अरे तुम बहुत शैतान हो गए। अरे मम्मा को तंग मत करो। बेटा, मैं जानती हूँ तुम सामने हो। अच्छा, सामने हो तो पकड़ के दिखाओ, पकड़ो। अरे क्रिया, मम्मी, अरे पकड़ पाओगे? बदमाश, मैं तुम्हें बस पकड़ लूंगी। हाँ, मम्मा को तंग कर रही है।
बेटा। मम्मा। अरे अब तुम बच नहीं सकती। बस देखो मैं तुम्हें कैसे पकड़ लूंगी। बेटा मैं आ रही हूँ। प्रिया। दीदी क्या हुआ? दीदी मम्मी मम्मी क्या हुआ? मम्मी कैसे बैठ जाइए। मम्मी आपको मम्मी दीदी क्या हुआ? मम्मी आई ओके मामा। सब कुछ नॉर्मल है। देखो तो अपने बच्चे के मूवमेंट्स देखो। उसके हाथ, उसके पैर, और ये तुम्हारे बच्चे का दिल है। अपने बच्चे की हार्ट बीट सुन सकती हो? हाँ डॉक्टर। क्रिया इधर आओ। आओ देख रही हो उसकी हार्ट बीट सुनाई दे रही है तुम्हें? हाँ हाँ। मम्मी जब नया बेबी आएगा ना तो मैं ही उसे खाना खिलाऊंगी और उसे घुमाने भी ले जाऊंगी। ओके स्वीटू। Mm-hmm.
सपना देखा? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओह माय गॉड, तुम कितनी परेशान दिख रही हो। हाँ, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। कोई बात नहीं, हाँ रिलैक्स। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ओके रिलैक्स। हाँ रिलैक्स। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात तो पक्की है, इस घर में जरूर कुछ ना कुछ अजीब है। और फिर हाथी और चींटी। और फिर हाथी और चींटी चले गए। ए मत करो, अरे मत करो ना, मत कर। वो फोटोज मेरे टैब में हैं, मैं अभी देखती हूँ। हाँ मम्मा, एक कप कॉफी दीजिए ना प्लीज। हाँ बेटा लाती हूँ। माँ आपने मेरा टैब देखा? क्रिया डैड के साथ खेल रही थी, उसी से पूछ लो। ठीक है। क्रिया, क्रिया, क्रिया। हे कुमारी, तुम अपनी आंखें बंद करो और गिनती गिनो, मैं चुप रही हूँ। चीटिंग मत करना। क्रिया कहाँ पर हो तुम, जल्दी आओ। क्रिया। क्या मौसी, क्यों बुला रही हो? एक बार में सुनाई नहीं देता क्या, टैप कहाँ है? मुझसे क्यों पूछ रही हो, मुझे नहीं पता। तुम पहले नीचे आओ और बताओ टैप कहाँ है। क्रिया तुम मेरे टैप में गेम्स खेल रही थी ना? नहीं, मैं तो अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी। जल्दी से नीचे आओ, मैं ऊपर आ गई ना तो तुम्हें बहुत मारूंगी, समझ गई? बताओ टैप कहाँ है। माँ, माँ। स्नेहा, क्या हुआ मौसी? मम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ स्नेहा, दिखाओ मुझे। हाँ प्रिया, स्नेहा क्या हुआ? मम्मा जरा फर्स्ट एड किट लाइए ना बेटा, जल्दी लेकर आइए। मैं लाती हूँ, बहुत गहरी चोट लगी है। अरे अरे छुओ मत, छुओ मत, छुओ मत, दर्द होगा, दर्द होगा। हाँ ये सब हुआ कैसे? हाँ क्रिया ने कैंडल स्टैंड मारा। वहाँ क्या कर रही हो, नीचे आओ। आई प्रॉमिस, मैंने मौसी को नहीं मारा। बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। आराम से। हाँ मम्मा जल्दी दवाई दीजिए, ये लो। बस हल्का सा दर्द होगा स्नेहा, कुछ नहीं होगा बेटा। बहुत दर्द हो रहा है। प्रिया इधर आना, मैं स्नेहा को देखती हूँ, तुम आराम करो। आओ स्नेहा। मैंने मासी को नहीं मारा। चुपचाप नीचे उतरो। मैंने सच में मासी को नहीं मारा, प्रॉमिस। जल्दी आओ। कैंडल स्टैंड से क्यों मारा मौसी को? हाँ नहीं, मैंने नहीं मारा मम्मी। तो मुझसे झूठ बोलोगी? झूठ बोलोगी मुझसे? हाँ सच में मम्मी, मैंने नहीं मारा। जोर से थप्पड़ मारूंगी। कुमारी मुझसे दूर रहो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मेरी कोई गलती नहीं थी कुमारी, फिर भी मम्मी मुझे मारने वाली थी। ना मुझे तुम चाहिए, ना ही मम्मी चाहिए।
दिखाओ क्रिया, तुम कितनी जिद्दी हो गई हो। You're hurting me, क्रिया। तुम्हें हुआ क्या है आखिर, मुझे बताओ तो सही। तुम पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी क्रिया। मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो। अभी तक सोई नहीं स्वीटी। मम्मी से बात नहीं करोगी? क्रिया, यहाँ कोई नहीं बेटा, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। हाँ,
कुमारी, यहाँ कोई कुमारी नहीं है। बहादुर बच्ची हो ना बेटा, कुछ नहीं होगा, घबराओ। दीदी नीचे कोई नहीं है और दरवाजा भी बंद है। तुमने सुना ना, यहाँ पर कोई नहीं है। प्रिया इसे अंदर ले जाओ। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आज तुम मेरे साथ सो जाना। रियली सॉरी टू से प्रिया, एक बात तो क्लियर है कि आप अपनी बेटी पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रही हैं। ऐसा नहीं है डॉक्टर, मैं क्रिया पर पूरा ध्यान देती हूँ। काम डाउन मिसेस प्रिया, पानी पी लीजिए। नहीं नहीं ठीक है, मुझे क्रिया का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर। उस दिन उसने स्नेहा पर कैंडल स्टैंड फेंक दिया, बिना बात के डर जाती है, रोती रहती है, गुस्सा हो जाती है। वो पहले ऐसी नहीं थी डॉक्टर। क्या आप पहले जैसी हैं? जवाब दीजिए, बोलिए। पहले आपको बदलना होगा, फिर आपकी बेटी अपने आप बदल जाएगी। उसके साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारिए, उससे बातें कीजिए, उसे बाहर लेकर जाइए। ये सब कुछ उसे और आपको भी बदलने में हेल्प जरूर करेगा। I'm sorry, doctor. कोई बात नहीं, देखिए मैं आपकी बेटी को ठीक होने के लिए कोई दवाई नहीं दे रहा हूँ, बस उसके साथ रहिए। इसके अलावा आपकी बेटी पूरी तरह ठीक है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू।
यहाँ पर बहुत अजीब घटनाएं हो रही हैं जॉन। ठीक है भाभी, मैं वहाँ आता हूँ। जितनी जल्दी हो सके प्लीज आ जाओ। आप घबराइए मत, मैं बस अभी निकल रहा हूँ। ओके जॉन, थैंक यू, बाय बाय। मामा, क्या हुआ मम्मा? प्रिया वो रात में बेटा, तुम किससे बात कर रही हो? इधर देखो, तुमसे कुछ पूछ रही हूं मैं। तुम किससे बात कर रही हो क्रिया? क्रिया, हेलो मिसेस प्रिया। यस डॉक्टर, योर डॉटर इज इन डेंजर। व्हाट? पर आप घबराइए मत, मैं डेमोनोलॉजिस्ट जेम्स को आपके घर भेज रहा हूँ। फिर साइकाइट्रिस्ट ने घर पर डेमोनोलॉजिस्ट जेम्स को भेजा, पर उनसे कुछ भी नहीं हो पाया। फिर जॉन ने आपको फोन किया। ये सब क्या है? ये क्यों हो रहा है फादर? जब तक इंसान जिंदा है, उसकी इच्छाएं उसकी परछाई की तरह चलती हैं। वो हमेशा उससे जुड़ी हुई होती हैं। इच्छाएं लालच का रूप ले लेती हैं और उस इंसान के मरने के बाद वो परछाई भटकने लगती है। आप कहना क्या चाहते हैं फादर? तुम्हारी बेटी के साथ जो परछाई है वो उसकी परछाई नहीं, बुरी आत्मा की है। क्या? आप कुछ भी कीजिए पर हमारी बच्ची को बचा लीजिए। हम उस घर को और इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे फादर। वो परछाई बिल्कुल उसी तरह है, धूल जैसे जमीन पर बिखरी होती है। तुम जहां जहां भी जाते हो वो साथ साथ आती है। तुम चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाओ, वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। जिस तरह अभी इस समय यहां वो हम सबके बीच मौजूद है। मुझे डर लग रहा है फादर, इन सब के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है और ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? वो कौन है फादर? ये कहानी 100 साल पुरानी है। कुमारी के माँ बाप बचपन में ही मर गए, वो अनाथ हो गई और एक अनाथ आश्रम में रहने लगी। उसी आश्रम में वो बड़ी हुई। उसकी खूबसूरती देखकर एक अमीर आदमी ने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा और उसके बाद कुमारी ने शादी करने के लिए हाँ कह दी। कुमारी जिसका जीवन अब तक मुश्किल भरा था, शादी के बाद उसका जीवन खुशहाल हो गया। लेकिन शादी के 8 साल बाद भी उसकी कोख सुनी ही थी। कुमारी का परिवार इस बात से बहुत दुखी था कि उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई कुलदीपक नहीं है। कुमारी के सास ससुर अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहते थे। इस बात से कुमारी को बहुत ठेस पहुंची। कुछ ही दिनों में भगवान की दया से कुमारी की कोख भर गई और सारा परिवार खुशी से झूम उठा। कुमारी बस अपने बच्चे के आने का इंतजार कर रही थी ताकि अपने बांझपन के कलंक को मिटा सके। गर्भ के 7वें महीने में कुमारी और उसका पति अपनी कुल देवी के आशीर्वाद लेने मंदिर गए, पर शायद भगवान
कुछ और ही चाहता था। मृत्यु के बाद इंसान सब कुछ छोड़कर चला जाता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। कुमारी का शरीर तो चला गया, पर उसकी मां बनने की इच्छा अभी तक जिंदा थी। मां न बन पाने की वजह से वो एक बुरी आत्मा बन गई। कुमारी के मन में बहुत दर्द था। कहते हैं काले जादू की जादूगरनी भानुमती मां केरल के एक जंगल से गुजर रही थी। कुमारी की ताकतवर आत्मिक शक्ति के बारे में जानने के बाद भानुमती ने अपनी शक्तियों से यह जाना कि कुमारी का कोई समाधान नहीं है, तो उन्होंने उसकी आत्मा को एक गुड़िया में कैद करके जंगल में छुपा दिया। कुमारी की तड़पती प्यासी आत्मा इतनी खतरनाक है कि वो भूकंप और तूफान तक ला सकती है। इतनी शक्तिशाली कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो किसी भी शरीर में घुसकर उसकी जान ले सकती है। भानुमती मां ये जानती थी कि कुमारी की आत्मा अगर आजाद रही तो कितनी जाने जा सकती है, कितनी मासूम और बेगुनाह जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, और इसीलिए उन्होंने उस गुड़िया को एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। कुमारी की मौत के 100 साल बाद कुमारी की आत्मा उस गुड़िया से आजाद होना चाहती थी। शादी में खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करना चाहिए था। पता नहीं आपको किस बात की जल्दी है। अरे कितना काम पड़ा है, कम से कम शादी तो निपटा ली। आपको तो हमेशा काम ही देखता है। अरे काम के अलावा भी तो जिंदगी होती है कि नहीं। अब क्या हुआ, बाइक को बाइक क्यों रुक गई यार? इससे भी अभी खराब होना था। खाना खाने के बाद मुझसे धक्का मारा नहीं जाएगा। आप जाइए, मैं पैदल जा रहा हूँ। अरे रुक यार। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, मैं अपने भाई को बुला रहा हूँ। अरे रुक तो सही, मुझे रास्ता मालूम है, चलता हूँ। पिछले 100 सालों से उस रास्ते से कोई नहीं गुजरा था, पर मल्ली को जंगल के उस रास्ते से अकेला जाता देख गुड़िया में बंद कुमारी की आत्मा को आजाद होने का मौका मिला। कुमारी ने अपनी शक्ति से जंगल में तूफान लाया ताकि गुड़िया पेड़ से नीचे गिर जाए। कुमारी ने आजाद होने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और वो इसमें कामयाब भी हो गई। फिर उसने मल्ली के शरीर को अपने कब्जे में कर लिया। माँ मल्ली को देखा क्या? पता नहीं कहाँ चला गया। अवंते अवंते अवंते। कुमारी की आत्मा जो मल्ली के अंदर थी, मल्ली के पड़ोस में पैदा हुए बच्चे की ममता से भर गई। कुमारी के अंदर की ममता बाहर आने लगी। मल्ली के जरिए कुमारी ने बच्चे के साथ एक गहरा रिश्ता बना लिया। मल्ली के अंदर आए इस बदलाव से उसके सारे घर वाले बहुत परेशान थे।
उन्हें ये तो पता था कि मल्ली का प्यार उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा है, पर उन्हें इस बात से ज्यादा अचंभा हुआ जब मल्ली रात को भी उस बच्चे के पास आता था। धीरे धीरे उनको उस नौटंकी वाले की बातें याद आने लगी और डर के कारण मल्ली के घर वालों ने तांत्रिक पंडित शंकर भट्ट को बुलाया। कौन है तू? तेरा नाम क्या है? मैं पूछता हूं, नाम क्या है तेरा? शंकर भट्ट। सच सच बता, कौन है तू? तेरा बाप। मेरे साथ नाटक करता है? बता कौन है तू? मुझे भगाएगा तू? मुझे कोई नहीं भगा सकता। तेरे जैसे दस आ गए ना तो भी मुझे नहीं भगा पाएंगे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू तेरा भगवान, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। मार मार और मार। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तू, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुमारी, कुमारी नाम है उसका। जब वो मरी तो गर्भवती थी। काल ग्रह बताते हैं कि अगले 200 वर्षों तक उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं। इस आत्मा में इतनी शक्ति है कि हम सबको कच्चा चबा जाएगी। मुझे क्षमा कीजिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। कुछ भी करके मल्लिक को बचा लीजिए स्वामी जी। शंकर भट्ट ये जानते थे कि कुमारी की आत्मा मल्ली के शरीर से निकालते समय उनकी मृत्यु भी हो सकती है। मल्ली को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राण भी दे दिए। मैं ये तो नहीं जानता कि कैसे, पर कुमारी की बुरी आत्मा तुम्हारे घर तक पहुंची गई। एक बिना बच्चे की मां की आत्मा है वो, जो क्रिया के साथ है। कुमारी, तुम सबकी जान ले सकती है। सब कुछ ठीक होने तक आप हमारे साथ ही रहिए फादर, प्लीज। अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो इसका उल्टा भी हो सकता है। परमात्मा की रोशनी से सारे अंधेरे मिट जाते हैं। उस परमात्मा पे तुम विश्वास रखो। तब तक मैं आने वाली परेशानियों से निपटने की तैयारी करता हूं। अब चलता हूं। जॉन। यस फादर। जॉन, तुम सबका ख्याल रखना। ये सब लोग बहुत डरे हुए हैं, ठीक है जी? इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सलूशन होगा, हिम्मत रखो। ठीक है फादर। आमीन। जीसस। Thank you.
क्रिया। स्वीटू। बेटा। दीदी आप ठीक हो ना? स्वीटू। भाभी, आप यहीं रुको, मैं चेक करके आता हूँ, ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है जॉन। इसमें डरना कैसा? मैं आता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, मैं देखती हूँ वो कहाँ है। तुम यहीं रुको। बेटा कहाँ हो तुम? मम्मा, दीदी आप रुको, मैं कैंडल लेकर आती हूँ। क्रिया बेटा, क्रिया, क्रिया तुम कहाँ हो? बेटा, क्रिया बेटा, क्रिया बेटा, क्रिया कहाँ पर हो? बेटा कहाँ हो तुम? क्रिया, स्वीटू, क्रिया बेटा, मामा के पास आओ। कहाँ हो तुम बेटा? मामा बुला रही है ना? मम्मी। क्रिया दरवाजा खोलो। क्रिया दरवाजा खोलो। क्रिया कहाँ रख दी? ये रही। यहाँ क्या कर रही हो प्रिया? नानी। कौन है? क्रिया कहाँ हो? तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं? कौन है? अरे प्रिया कहाँ गई? अभी तो यही थी। क्रिया, क्रिया बेटा, क्रिया, ये डॉल यहां क्या कर रही है? क्रिया, क्रिया, क्रिया बेटा, thank you.
क्रिया मिली क्या आपको? मम्मी मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्रिया मिली क्या आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? ऐसी क्यों खड़ी है? क्रिया मिली क्या आपको? जॉन, क्रिया मिली क्या? नहीं मिली। ओहो, मैं उधर जाके चेक करता हूँ, आप किचन में देखिए, ठीक है? क्रिया, क्रिया, मुझे मत मारो।
मम्मी बचाओ। बच गया। हुआ है पर जो तुम मेरे साथ कर रही हो क्या वो सही है कुमारी? वो अभी तक यहीं खड़ी है मम्मी। सब ठीक हो जाएगा। मम्मा आ गई है ना? मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। कुमारी मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, मम्मी के साथ रहूंगी। तुम बहुत गंदी हो, चली जाओ प्लीज।
प्लीज तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम मेरी बात नहीं मानोगी क्या? हमें परेशान मत करो, चली जाओ यहाँ से। प्लीज कुमारी चली जाओ ना यहाँ से, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। प्लीज कुमारी चली जाओ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, चली जाओ यहाँ से कुमारी, प्लीज चली जाओ। अब चलो,